रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग ली। इस क्राइम मीटिंग में आने वाले सभी पुलिस कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दी गई। वहीं इस मीटिंग में लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही जिले में घटित होने वाले अपराधों में आई गति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पुलिस विभाग की क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में सभी अधीनस्थ अधिकारी व जिले के सभी थानों के TI उपस्थित रहे। कंट्रोल रूम के मीटिंग हॉल में प्रवेश के पहले सभी पुलिस कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ आज की क्राइम मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक चली, जिसमें कोरोना संक्रमण के संबंधित कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही जिले में घटित होने वाले अपराधों में भी गति आई है। खासकर छोटे लूटपाट, घरेलू हिंसा व मारपीट जैसे अपराध रायगढ़ में घटित हो रहे हैं। कोरोना संबंधित मामलों के साथ ही साथ अन्य आय आवेदनों व प्रकरणों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थों को दिए हैं। रायगढ़ जिले के सभी थाने पेपर वर्क खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थाने में ऑनलाइन कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। COVID-19 की दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर तत्काल कार्यवाही करने सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक ने कल की क्राइम मीटिंग में निर्देशित किया है। आज मंथली क्राइम मीटिंग हम लोगों ने लिया था, जिसमें जिले में जो क्राइम की समीक्षा की गई थी। अभी आपको मालूम है कि जिले में अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, जिसके बाद लगातार जिले में क्राइम की संख्या भी बढ़ रही है। विशेषकर जो छोटे लूट के मामले हैं वो सब बढ़ रहे हैं, मारपीट के मामले, घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़रूरत है कि सारे मामलों में कसावट लाई जाए और अपराधों की पेंडेंसी भी, चूँकि कोविड लगा हुआ था तो कोविड के जो काम चल रहे हैं उसके चलते अपराधों की पेंडेंसी भी लगातार बढ़ रही है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा जोर सो कोविड को लेकर के है, उसको भी हम लोगों ने समीक्षा की कि क्वारंटाइन वाले मामले में त्वरित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को हम लोग कड़ी कार्रवाई करके अब जेल भी भेजने का प्लान कर रहे हैं, ताकि लोगों को सबक मिले। क्योंकि कई बार अपराध कायम होने के बावजूद ऐसे लोग मान नहीं रहे हैं। और विशेषकर जो हम लोग का जोर है अभी कि CCTNS द्वारा जो डाटा डिजिटलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, सारे काम CCTNS से हों और सब कुछ ऑनलाइन पुलिस में काम हो, ताकि पेपरलेस वर्क को बढ़ावा दिया जा सके। जो सबसे बड़ी चीज़ इस समय है कि हम लोग जो कोविड के समय हमारा चैलेंज है कि कोविड के चुनौतियों को देख भी हम लोग निपटे और साथ साथ अपराधों पर भी लगाम लगाए। इसके लिए आज क्राइम मीटिंग हम लोगों ने ली थी। सबको इससे संबंध में बहुत ही डिटेल आज बड़ी सुबह से शाम तक की मीटिंग ली गई और सबको निर्देश जारी किए गए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।